लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज यानी 13 मई को चौथे चरण का मतदान हो रहा है। यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस दौरान कन्नौज सीट पर मतदान के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला है। सपा का आरोप है कि बीजेपी के गुंडे वोट नहीं डालने दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से आरोप है कि सपा समर्थित गुंडे बूथ पर पहुंचकर हुड़दंग कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक के भाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बूथ के लोगों को धमकाते हुए और गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो ये भी तो लोग गांव के हैं, क्या है पक्ष विपक्ष जो तुम्हारे हैं ही नहीं, जाकर मारो पक्ष वाले जो है वही गुंडे क्या का क्या मारो मुंह फुला दें तुम्हारा चिल्लाना है। हां किसे मारा बताओ, किन्ने चलाओ किन्ने मारो राहुल यहां तुम्हारा मैं पकड़ा इनका भाई राहुल, इसने मेरी उंगली हटी तीन बार। तुम गाली दोगे आत्माओं को? गाली देना लोग दे रहे गाली ज्यादा गुंडाई करी मार मार लपड़ डाले मुंह फुटा दे। मैं एडवोकेट भी हूँ, कोई शेर नहीं है तुम जाइए। अरे साले हां बोलो बड़ा नहीं गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई गुंडे करोगे तुम एडवोकेट के नाम पे गुंडे करोगे? आप बोलिए पाठक जी, आप बोलिए। हां अरे आप भाई साहब हम एडवोकेट के नाम पे गुंडे करोगे क्या? बोलिए बोलिए आप बोलिए। लाइव चल रहा है, लाइव चलाओ हमारे घर का भाई साहब, सब लाइव चल रहा है, वीडियो बनाओ। हां सब लाइव चल रहा है, प्रशासन कर रहा है, हट जाओ यहां से। अच्छा चल चल आप लोग रोकना मत बिल्कुल, इस तरह गाली गलौज सब होने दो आप। हां हां ठीक है सब, लाइव चल रहा है, चलो चलो मारेंगे यहाँ पर, ये गुंडाई करेंगे ये लोग। आप लोग गुंडाई करवा रहे हैं, गुंडाई हो रही है, जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग हो रही है, जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग कराई जा रही है, जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग कराई जा रही है। भाजपा के नेता आके यहाँ धमका रहे हैं, जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग हो रही है। क्लीन नहीं क्लीन मारा, जबरदस्ती घर से बोर्ड लेके हाथ मिलवा रहे हैं। भाजपा सांसद भाजपा सांसद के भाई है छोटू पाठक, हाँ गाली दे रहे हैं आप, यहाँ धमकाया जा रहा है, यहाँ धमकाया जा रहा है बेटा, जाओ जाओ चलो ठीक। हाँ हो गया काम। तो वही बीजेपी ने ट्वीट कर सपा कार्यकर्ताओं पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि विधानसभा बुधना के बूथ नंबर 80, 81, 94, 102, 161 एवं 172 पर सपा के रेड कार्ड होल्डर अपराधी माफिया भाजपा के मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। बूथों पर सपाई गुंडों के साथ मिलकर पीठासीन अधिकारी और पुलिस के लोग बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग घटना का शीघ्र संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे। इस हंगामे की खबर आने के बाद अखिलेश यादव भी कन्नौज पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। और कई जगह बीजेपी के जो समर्थक हैं, मैं पिछले बूथ पे होके आया हूँ रणधीरपुर में, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेताओं को प्रशासन का साथ लेकर के एजेंट के साथ मारपीट की। जब मैं बूथ पे पहुंचा तो पता लगा बीजेपी कार्यकर्ता भाग गए। अरे भाई भागते क्यों हो, अगर किसी को मारा है तो भागते क्यों हो, सामना करो। खैर जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, मुझे खुशी इस बात की जनता स्वयं वोट डालने आ रही है। जनता की जो नाराजगी है वो बढ़ती चली जा रही है बीजेपी के खिलाफ। ये तो चौथा चरण है, अभी तो इसके बाद और चरण होने हैं। जनता कन्नौज की जो यहाँ के लोग रहे हैं, जिन्होंने लोधी समाज को अपमानित किया, यहाँ के लोग पड़ोस के लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध की प्रतिमा लग गई, भगवान बुद्ध की मूर्ति लग गई, इन्होंने हटवा दी। इन्होंने लोधी समाज को कहा कि अब पैसे से तुम्हें वोट ले लो, और बाल समाज के नेता को गाली गलौज की। एक ऐसा सांसद जो गाली गलौज देता हो वो जनता कभी स्वीकार। तो ये थी कन्नौज चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट, आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।